मेरा नाम अबू हुरैरा है, मेरी एज 30 ईयर्स है। मैं जुजित्सु मार्शल आर्ट्स का इंटरनेशनल एथलीट हूँ। जुजित्सु एक जैपनीज आर्ट है जिसका ओरिजिन जापान से है, और मैं जो है वही गेम पिछले 17 साल से खेल रहा हूँ और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। इस गेम का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि मैं जब छोटा था तो मुझे एक हार्ट डिजीज़ था, यानी मेरे दिल में सुराख था। उस वक्त मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते थे। डॉक्टर से हमने बोला कि इसका कोई इलाज है क्या है, तो उन्होंने बोला कि वक्त के साथ साथ या तो ये फेल हो जाएगा या तो फिर जो है ऑपरेशन होगा। बट एनी हाउ मैंने उसको दोबारा कभी उसके बारे में ना सोचा, क्योंकि जब एक बंदा कोई नेगेटिव चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखता है वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र गुजरता रहा। 2004 के अंदर जब मैं 14 साल का हुआ तो समर वेकेशन से जून जुलाई की छुट्टियाँ थी, उस दौरान मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी ज्वाइन करूँ, और मैं जिम की तरफ गया तो मुझे मिला जिम एक, तो लेकिन वहाँ पर मैं रिजेक्टेड हो गया क्योंकि मैं बहुत वीक था। लेकिन मैं उस वेकेशन को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने मार्शल आर्ट्स की एक अकेडमी मुझे मिली, ये दस्तगीर में कराची मार्शल आर्ट सेंटर, मैंने उसे ज्वाइन किया। स्टार्टिंग जो थी वो फिटनेस के को टारगेट करते हुए की थी कि यार फिटनेस करेंगे थोड़ा फिट हो जाएंगे, बॉडी वॉडी अच्छी हो जाएगी। बट जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता था, क्योंकि मैं हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता था, मैं बहुत ट्रेनिंग करता था, 3-4 महीने के अंदर जो है वो मैं एक क्लब लेवल पे एक चैम्पियनशिप थी उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं गोल्ड हो गया। जब पहली बार मेडल पहना तो एक मोटिवेशन ही अलग थी, क्रेज़ हो गया, और उसके बाद जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है तो आज तक मैं अभी भी खेल रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहला जो इंटरनेशनल मेडल लिया, एशियन चैम्पियनशिप खेलने गए थे हम 2010 में, पाकिस्तान की टीम ईरान गई थी, और वहाँ पे मैंने फर्स्ट अपना ज़िंदगी का जो इंटरनेशनल मेडल है वो भी एशिया लेवल का, तो गोल्ड मेडल हासिल किया। तीनों एशियन चैम्पियनशिप में, तीनों एशियन इवेंट्स में मैंने गोल्ड लिया, यानी कि 2010 की एशियन चैम्पियनशिप, 12 की चैम्पियनशिप और 14 के एशियन बीच गेम्स में मैं गोल्ड मेडल रहा हूँ। और फिर 2015 के अंदर मैं वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट बना, जो मेरा ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड में गोल्ड मेडल मारूँ, गोल्ड तो नहीं बट सिल्वर। बट यस, फ्यूचर में अभी भी प्लान है, क्योंकि अभी भी खेल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह गोल्ड ज़रूर लेकर आऊँगा। जहाँ सपोर्ट की बात आती है तो उसमें मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि जुजित्सु एक वेल नोन आर्ट नहीं है, और कराची का जो है ये कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, कोई मतलब लोगों को पता नहीं कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। मेरे जो कोच हैं तारिक अली, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी है, आज तक 17 साल के अंदर उन्होंने मुझसे एक रुपया भी नहीं लिया इस ट्रेनिंग का, और मुझे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे खड़े होकर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई है। तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अब कुछ ऐसे अबू हुरैरा और तैयार कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली जाएं, मेडल लें, इस मुल्क का नाम रोशन करें। अभी तक ये स्पोर्ट्स वेल नोन नहीं हो सका, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको इस तरह फैलाऊं ग्रास रूट लेवल पे कि ये हर बंदे की ज़बान पे हो। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा HBL PSL का और इनवरेक्स सोलर एनर्जी का, जो कि पाकिस्तान के अनसंग हीरोज़ को प्रमोट कर रहे हैं और उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये भी हमारे हीरोज़ हैं।